हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज तो BGMI के अंदर बहुत ही अच्छे इवेंट्स आ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताई थी, एयर ड्रॉप कार्निवल कल के हमारा एक न्यू इवेंट आने वाला है और ये फाइनली BGMI के अंदर आ चुका है। और सिर्फ BGMI के अंदर हम लोगों को ये इवेंट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का इवेंट है एंड साथ ही में हमें क्या कुछ रिवॉर्ड्स इसके अंदर से मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाओ, और सब्सक्राइब करो इसलिए जल्दी। और देख सकते हो यहाँ पर आप लोग जैसे ही आओगे अपने इवेंट सेक्शन में तो आप लोगों को एयर ड्रॉप एक्सचेंज सेंटर करके इवेंट देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अंदर देख सकते हो यार, भर भर के आपको इमोट्स देखने को मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ टोकन्स है जिनको आपको कलेक्ट करने हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अपने इमोट्स देख लेते हैं किस तरीके के हमारे इमोट्स हैं। एंड देखो, यहाँ पे हम लोग को 200 एयर ड्रॉप टोकन्स चाहिए होंगे जिसके बाद हम लोग एक इमोट को जो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक आप लोग यहाँ पे इमोट जो है दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका, यहाँ पर इन्हांसिंग डांस करके इसका नाम दिया हुआ है। एंड देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इमोट है एंड ये हम लोग को एकदम फ्री में मिलने वाला है। तो जिनको भी इमोट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा इवेंट है। और देखो यहाँ पर सेकेंड हम लोग को एक और करके एक और इमोट देखने को मिलती है। तो देख सकते हो ये भी अगर आपको चाहिए तो 200 कॉइंस में आपको ये मिल जाएगी। तो आप बताना आपको कैसी लगी। एंड अब यहाँ पे थर्ड इमोट देखते हैं। एंड देख सकते हो विंग फ्लैप करके इसका नाम है। एंड देखो ये भी काफ़ी सही है। और फोर्थ इमोट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चेयर करके इसका नाम है, तो ये भी अच्छी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इमोट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की है, विक्ट्री ट्रेल करके। एंड काफ़ी अच्छी है ये इमोट, मेरे को काफ़ी पसंद आई। तो देख सकते हो ये पांचों इमोट्स हमें देखने को मिलती है। बाकी नीचे में कुछ कूपन्स मिल जाएंगे क्लासिक क्रेड के, सप्लाई क्रेड के एंड यहाँ पर कुछ पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको बोला गया कि अगर आपको एक इमोट चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को 200 टोकन्स चाहिए होंगे। अब 200 टोकन्स आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आप लोग यहाँ पर जो एयर ड्रॉप टोकन्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में बात करते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों का एक भी जो इवेंट है ना, इवेंट सेक्शन में हम लोगों को एयर ड्रॉप से रिलेटेड कोई भी मतलब यहाँ पर जो कॉइन है इनसे रिलेटेड कोई भी इवेंट देखने को नहीं मिल रहा। एंड ऊपर में अगर ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यू कैन अर्न अप टू 4 रिवॉर्ड्स पर मैच। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो बोला गया कि अगर आप लोग एक मैच खेलते हो तो उसके अंदर एक मैच के अंदर आप लोगों को टोटल मिला के 4 टोकन्स मिलेंगे। और मतलब 4 टोकन्स आप लोग मैक्स टू मैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ऐसा बोला गया। और उसके बाद यहाँ पे एक दिन के अंदर आप लोग 12 टोकन्स कलेक्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को सीधा मैच में जाना है एंड मैच में जाने के बाद आप लोगों की एक मैच की लिमिट होगी 4 टोकन्स एंड पूरे दिन की लिमिट होगी आपकी 12 टोकन्स। और ये इवेंट देख सकते हो बहुत दिन तक चलने वाला है, 20 सितंबर तक चलने वाला है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, 2 महीने से भी ज्यादा का इवेंट है। तो इसके अंदर आप लोगों को बता दूं कि अगर पूरा आप लोग डेट देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 600 टोटल टोकन्स होता है। एंड 600 टोटल टोकन्स में आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग 3 इमोट्स ले सकते हो। यानी कि इन 5 इमोट्स में से आप लोग सीधा सीधा 3-3 इमोट्स ले सकते हो। अगर आप लोग 12-12 करके टोकन्स हर एक दिन कलेक्ट करते जाओगे 20 सितंबर तक, तब आप लोगों को यहाँ पे जो टोटल मिला के 3 इमोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इवेंट हमारा चलेगा, और भी कुछ इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे आगे जाकर, तो वो यहाँ पे अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि मैच के अंदर जाके हम लोगों को यहाँ पे टोकन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैच के अंदर हो सकता है कि इस तरीके से जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं शेल, इनको अगर आप लोग खोलोगे तो हो सकता है कि इनके अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये टोकन्स देखने को मिले। और फिलहाल के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो ऐड नहीं किया गया इन टोकन्स को। हो सकता है कि 7:30 बजे के बाद इनको ऐड किया जाए और उसके बाद ही हम लोगों को यहाँ पे जो कोई भी टोकन सब है वो देखने को मिले। और यहाँ पे क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ऐड नहीं किया गया, तो जैसे एक बार 7:30 होता है, 7:30 बजता है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और वीडियो के थ्रू बताऊँगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोगों को कहाँ कहाँ से टोकन्स मिलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को जो किस किस तरीके से खोजने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको बताया, उन शेल्स में आप लोग देख सकते हो या फिर यहाँ पे 4 तरीके के आपको आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ये हो गया ब्रिज के बीच में, फिर यहाँ पे लिपोपका में हो गया, फिर यहाँ पे देख सकते हो याशनाया में एंड एक जॉर्जो पुल के बीचों बीच में। तो इन चारों जगहों पे आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि टोकन्स देखने को मिले। अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या अभी हम लोगों का जो टोकन है उसको ऐड किया गया या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ आने के बाद यहाँ पे कुछ होल डिग करने को बोला जाएगा एंड देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से एंड हमें करना है। और उसके बाद हमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ तो अभी फ़िलहाल के लिए देख सकते हो कोई भी टोकन्स नहीं देखने को मिल रहे, तो इसलिए यहाँ पर अभी हम लोगों को कोई भी टोकन तो नहीं मिला है।
और इसी तरीके से यहाँ पे अगर थोड़ा और आगे जाए, यहाँ पे एक दो बार और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई टोकन मिलता है या नहीं। इन्वेंट्री में देख सकते हो कोई भी हमें टोकन नहीं मिला, तो एक और बार यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को 3-4 जगह यहाँ पे लोकेशन दिख जाएगा जहाँ पे आप लोगों को जाना है, एंड वहाँ से आपको कॉइन्स मिलते हैं, टोकन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे लोकेशन होने वाला है, और यहाँ पे जाके एंड आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, एंड देखना फिर वहाँ पे हमें मिलते हैं या फिर नहीं टोकन्स। तो यहाँ पे चलो मैं एक और बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमें टोकन्स मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग को यहाँ आ जाना है, एंड इस तरीके से आपको होल्डिंग करना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तो हम लोगों को देख सकते हो कोई से भी टोकन्स नहीं देखने को मिले। तो अभी हम लोगों का ये इवेंट जो है आया नहीं है, मतलब यहाँ पे जो टोकन वाला इवेंट है ये हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे गेम सब खेलने जाते हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ से टोकन्स मिल रहे हैं, ताकि सभी लोगों को ईजिली यहाँ पे जो टोकन्स है वो मिल जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे सभी लोगों के जो रिवॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई, 3-3 इमोट्स आप लोग यहाँ पे जो है रिडीम कर सकते हो, अगर यहाँ पे हर एक दिन आप लोग 12-12 टोकन जो है कलेक्ट करते जाते हो उसके बाद। तो यहाँ पे आप लोग बताना कि आप लोगों को सबसे बेस्ट 3 यहाँ पे जो इमोट है कैसे लगे, तो बेस्ट 3 इमोट आप लोग बताना। और बाकी यहाँ पे बता दूँ कि हमारा न्यू प्रीमियम क्रेट भी आ चुका है, तो चलो एक और बार हम लोग अपनी न्यू प्रीमियम क्रेट पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिले या फिर नहीं मिले। तो चलते हैं सीधा क्रेट के अंदर। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि यहाँ पे आपको लोकेशन पता चल सके कि एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग को जो टोकन्स है कैसे मिलेंगे, एंड जल्दी जल्दी आप लोग टोकन्स कलेक्ट कर पाओ। तो देखो यहाँ पे जो प्रीमियम क्रेट है ये यहाँ पे देख सकते हो, मिथिक वाली आउटफिट इसकी देखो कुछ इस तरीके की है, जिसको देख सकते हो कुछ आयरन हॉर्न करके इसका नाम है। और देख सकते हो यहाँ पे इसके साथ इसका हेड गियर एंड साथ ही में ग्लासेस भी है। साथ ही में हम लोगों को एक और आउटफिट देखने को मिल रही है जो कि लेजेंडरी, एंड इसकी हेड गियर देखने को मिल रही है। फिर एक और यहाँ पे फॉक्स सेट मिल रही है, एंड एक यहाँ पे फॉक्स वाली पैन मिल रही है। साथ ही में यहाँ पे एक और सेट है, एंड साथ ही में कुछ ऑर्नामेंट है। बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ पे टाइम लिमिटेड ही है, और नीचे में तो कुछ खास नहीं है, सारे ओल्ड आइटम्स हैं। तो मतलब कुछ यहाँ पे देख सकते हो एक सिर्फ हम लोगों को काउंट डासिया की स्किन देखने को मिल रही है, वो भी कुछ खास नहीं लग रही है, वैसी ही लग रही है जैसी मतलब नॉर्मल होती है। तो ये हो गया, एंड कुछ यहाँ पे हम लोगों को AUG की गन स्किन या फिर यहाँ पे हम लोगों को M249 की स्किन और कुछ पिस्टल की स्किन मिलती है। और जो कॉन्सेप्ट है वही है, हम लोग अगर 50 क्रेट्स ओपन करेंगे तब जाके हम लोगों को एक लेजेंडरी रिवॉर्ड मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट तो बेकार ही है, और साथ ही में जो रिवॉर्ड्स है वो भी मतलब कुछ खास तो नहीं है, बट अगर आपको ओपन करना है तो ओपन करना, नहीं तो वेट कर लो नेक्स्ट वाले प्रीमियम क्रेट का, वो ज़्यादा अच्छा होने वाला है इसे बहुत ज़्यादा। और तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।